जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में। उसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर, है ना, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंडों की संख्या। तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं ये जान लीजिए। ये हम कोई संख्या मिला जाएगा, है ना, जैसे कोई संख्या रहेगा 12, ये मान लेता हूँ ये 12 है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कोई ये संख्या है 12, है ना। अब इस 12 के कितने गुणनखंड होंगे, है ना, कितने गुणनखंड होंगे, उस गुणनखंडों का योग क्या होगा, कितने प्राइम गुणनखंड होंगे, कितने नॉन प्राइम गुणनखंड होंगे, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमको कुछ कुछ बेसिक बात ज्ञात करना होगा। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज, गुणज का अर्थ होता है टेबल या फिर मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स। इंग्लिश में गुणज को हम बोलेंगे मल्टीपल्स, और ये हो सकता है आपका टेबल, TABLE, ठीक है, TABLE, टेबल। टेबल का मतलब होता है जैसे हमने बचपन से जो पढ़ते आए हैं, जैसे हमने 2 का पाढ़ा पढ़ते हैं, तो 2 एकम 2, है ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ऐसा ऐसा आप चाहें तो इसको अनफाइनाइट तक ले सकते हैं। बचपन में हम केवल 10 तक ही याद करते थे, है ना, 2 दहम 20, उससे आगे हमारा यूज था नहीं, उस समय तो हम याद नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारे 3 के पाढ़ा से काम चल जाता था। लेकिन गुणज का अर्थ ये होता है कि आप 2 के अंतर में चाहें तो संख्या को कितने ही अंत तक ले जा सकते हैं, है ना, कितना ही दूर ले जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनफाइनाइट है, ठीक है। उसी प्रकार हम यदि 8 का देखें तो, है ना, 8 का देखें तो क्या होगा, ये हम गुणनखंड लिख रहे हैं ना, याद रखिएगा। अभी मैं गुणनखंड नहीं बता रहा हूँ, मैं गुणज बता रहा हूँ। गुणज मतलब उसका पाढ़ा, टेबल। तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, ऐसे ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक रहेगा। तो आपको पता चला गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, एक का भी गुणनखंड होता है, जैसे 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 3 3, 1 4 4, ऐसे ऐसे करके ये अनफाइनाइट तक, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये होता है गुणनखंड, मतलब ये 2 का गुणनखंड अनफाइनाइट तक रहेगा, 8 का जो गुणनखंड है वो इनफाइनाइट तक रहेगा, और जो 1 का गुणनखंड है वो इनफाइनाइट तक रहेगा। उसके बाद किसी भी संख्या का, है ना, एनी नंबर, गुणज का मतलब ही होता है गुना, है ना, गुणज का मतलब ही होता है गुना, वो अनफाइनाइट होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, आपको कई जन्म लेने पड़ जाएंगे इसको लास्ट तक ले जाने में, ठीक है। तो ये होता है गुणनखंड, गुणज। तो मैं इसके लिए इसको बताया क्योंकि हमको पढ़ना है गुणनखंड, और हमको गुणज और गुणनखंड में अंतर ज्ञात होना चाहिए था, तो गुणज मैंने आपको बता दिया। अब गुणनखंड क्या होता है ये देखिए, ठीक है, नाम से ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा। गुणनखंड, खंड का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है, गुणनखंड, खंड का होता है हिस्सा, इसी को बोलते हैं फैक्टर। इंग्लिश में हम ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैक्टर कहेंगे, ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में फैक्टर कहेंगे, इसके हम इंग्लिश में फैक्टर कहेंगे। अब हमको किसी का गुणनखंड निकालना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 8 का निकालते हैं, है ना, तो सबसे पहले हम 8 के यहाँ गुणज भी लिख लेते हैं तो आपको अंतर पता चल जाएगा। 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24, सो ऑन ऐसे इन्फाइनाइट तक, ठीक है। अब मुझे 8 का गुणनखंड निकालना है। 8 का गुणनखंड का मतलब होता है, 8 का गुणनखंड का मतलब ये है, सीधा सीधा ये बात कि 8 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकती है, है ना, 8 को ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से भाग दे सकती है। क्या बोला मैंने, 8 का ऐसे कौन कौन सी संख्या है जो 8 को पूर्ण रूप से भाग दे सकती है। तो सबसे पहला संख्या होता है 1, है ना, सबसे पहला और सबसे छोटा संख्या होता है एक, जो 8 को भाग देगा या फिर किसी भी नंबर को भाग देगा, ठीक है। सबसे छोटा संख्या होता है 1, उसका गुणनखंड और सब ये सभी संख्याओं में भाग जाएगा, और सबसे गुणनखंड होता है 8 का ही स्वयं 8, है ना, 8 भी अपने आप को स्वयं को भाग देगा, तो 8 हो गया। अब 8 को और कौन कौन सी संख्या भाग दे सकता है, तो 8 को आपको भाग देने की संख्या, भाग कौन दे सकता है, तो 2 दे सकता है, ठीक है, और 4 दे सकता है, बाकी और देखिए 3 क्या दे सकता है, नहीं, 5 बिल्कुल नहीं, 7 बिल्कुल नहीं, 8 अधिकतम गुणनखंड, है ना, वो स्वयं होगा, और मिनिमम 1 होगा। ये हो गया आपका मिनिमम, और ये है आपका मैक्सिमम, ठीक है। किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होगा मिनिमम 2 होना
तय है, एक तो वो स्वयं होगा, दूसरा एक होगा। तो मिनिमम किसी भी दो, किसी भी संख्या का गुणनखंड दो होता ही है, ये मान के चलिएगा, है ना। उसके बाद हम बीच की संख्या देखते हैं, और ये बाउंड्री हमने इसलिए बताया, अगर क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया, क्वेश्चन में यदि ऐसा घुमा के पूछ दिया कि आठ के सबसे बड़े गुणनखंड क्या होगा, जो आठ है उसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, तो वो स्वयं होगा आठ, है ना। गुणनखंड का मतलब होता है उसको पूरा पूरा से काट देना। जो एक है आठ को पूरी तरह से काटता है, दो जो है आठ को पूरी तरह से काटता है, चार आठ को पूरी तरीके से काट देता है, है ना। काटना मतलब यदि कोई प्राइमरी के बच्चे अगर पढ़ रहे हो तो ये ध्यान दे दीजिएगा, है ना। ये आठ है, ये चार उसको पूरी तरीके से काट दिया, चार दुनिया आठ, है ना। अब इसी चार की जगह मैं अगर दो ले लेता हूँ तो दो भी इस पूरे इसको पूरी तरह से काट देगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि यदि कोई संख्या होती है तो उसको काटने वाले कौन कौन सी संख्या है, तो सबसे छोटा एक होगा, सबसे बड़ा आठ होगा, उसके बाद आपको बीच की संख्या आपको ज्ञात करनी होगी, ठीक है। अब इसमें एक मज़ेदार बात देखिए, इसमें आपको क्या देखना है, एक मज़ेदार बात देखना है। मज़ेदार बात क्या होगा, है ना, आपको पता होगा मज़ेदार बात क्या होगा। मज़ेदार बात यह है, आप इस तरह से अंकों को सजा लीजिए, और है ना, ऐसे अंत से अंत का गुना करेंगे तो भी आपको आठ मिलेगा, है ना, और इस बीच वाले को भी गुना करेंगे तो आठ मिलेगा, ठीक है। अंत से भी अंत का गुना करेंगे तो आपको आठ मिलेगा, ठीक है, और बीच वाले से भी करेंगे तो गुना मिलेगा, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन हो जाएगा, यदि हम पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, है ना, यदि हम पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे तब की स्थिति में आपको बीच का एक संख्या बच जाएगा, है ना, बीच का एक संख्या बच जाएगा, लेकिन इसको भी अगर आप स्क्वायर कर दिए तो भी वो संख्या आ जाएगा। अभी नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हम क्या लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 12 का गुणज देखते हैं, है ना, हम यहाँ देखते हैं 12 का गुणज। तो 12 का सबसे पहला गुणज कौन सा होगा, एक, वो स्वयं संख्या, ठीक है, एक स्वयं है। दूसरा 12 स्वयं होगा, ठीक है, सबसे बड़ा संख्या। अब बीच में से कौन सी संख्या जो पूरे 12 को काट सकती है, तो दो काटेगा क्या, बिल्कुल दो काटेगा, ठीक है। तीन काटेगा क्या, तीन चौंक 12, बिल्कुल काटेगा। चार काटेगा, सॉरी मैंने तीन लिखना था ना, चार लिख दिया हूँ, वैसे चार भी आएगा, फिलहाल पहले तीन लिख लेता हूँ। ये तीन भी काटेगा, चार भी काटेगा, ठीक है, चार भी काटेगा। अब क्या कौन काट सकता है, चार के बाद पाँच, ना पाँच नहीं काटेगा, पाँच दूनी दस, पाँच के बाद छः, छः दूनी 12, बिल्कुल छः काटेगा। छः के बाद सात काटेगा क्या, सात दूनी 14, नहीं काटेगा। आठ, आठ दूनी 16, नहीं काटेगा। नौ, नौ दूनी 18, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दस, दस दूनी 12, सॉरी दस दूनी 20, ग्यारह दूनी 22, और 12 एकम 12, 12 तो स्वयं काट ही रहा है, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो 12 के 6 गुणनखंड हो गए, ठीक है। 12 के 6 गुणनखंड हो गए, कितने गुणनखंड हो गए, 6 गुणनखंड। अभी आप बेसिक पढ़िए, लास्ट में इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, है ना। आपको एक एक ऐसे 12 करके निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि ये गुणनखंड है इसके, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि इसमें कितने गुणनखंड है, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमने सीखा था कि अंत से अंत का गुना करना और बीच से बीच का गुना करना, ये देखिए, ये अंत से अंत का गुना करेंगे, एक और 12 का गुना करेंगे तो हमको 12 मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो है दो और 6 को गुना करेंगे तब की स्थिति में भी हमको 6 दूनी 12 मिलेगा, और लास्ट स्थिति में तीन और चार का भी गुना करेंगे तब की स्थिति में हमको 12 ही मिलेगा, ठीक है। ये होता है आपका गुणनखंड का। ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब ये काम आएगा, ठीक है। अब एक पूर्ण गुणनखंड कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो पूर्ण गुणन पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग कौन सा है, 16 है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा इसका गुणनखंड कैसा होगा, तो इसका सबसे छोटा गुणनखंड कौन सा होगा, एक स्वयं होगा, एक होगा, और ये 16 स्वयं होगा। अब 16 को कौन कौन सी संख्या काटता है, तो 16 को दो काटेगा, ठीक है। चार काटेगा क्या, बिल्कुल चार काटेगा। आठ भी काटेगा, देखिए चार काट दिया, पाँच नहीं काटेगा, छः नहीं काटेगा, सात नहीं काटेगा, आठ काटेगा, आठ दूनी 16, नौ नहीं काटेगा, दस भी नहीं काटेगा, ग्यारह भी नहीं काटेगा, बारह भी नहीं काटेगा, ठीक है। इसी प्रकार इधर 12, 13, 14, 15, लास्ट में 16 काटेगा, ठीक है, 16 काट दिया। याद रखिएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब समझते हैं, ये चार का स्क्वायर है ये, ठीक है, ये चार का स्क्वायर है ये, जो 16 मैंने लिखा है वो चार का स्क्वायर है, इसलिए इसको मैंने पूर्ण वर्ग बोला है। अब पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है देखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है देखिएगा, ये अंत से अंत का गुना कर दिए, 16 मिला, ठीक है। उसके बाद इधर का लास्ट क्या बच गया, ये दो और आठ बच गया, तो आठ दूनी 16 भी होता है, लेकिन चार के लिए कोई जोड़ा नहीं मिला, चार के लिए कोई जोड़ा नहीं मिला, तब क्या होगा, हम इस चार का स्क्वायर करेंगे तब हमको 16 मिलेगा। कहने का मतलब ये है
कहने का मतलब ये है, यदि कोई हम नॉर्मल संख्या लेते हैं तो उसकी जो गुणनखंड है, सॉरी उसकी जो गुणनखंड की संख्या है ना, तो वैसे हमने 12 कर लिया था, 12 में कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है, और इसमें 1 2 3 4 5, तो पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे तो उसमें जो गुणनखंड की संख्या है वो ऑड में आएगा, किस में आएगा, ऑड में आएगा, और जो अन्य संख्या है वो आपके इवन में आएगा, उसकी संख्या इवन में आएगी, ठीक है, इवन में आएगा तभी जोड़ी बनेगा, ये ऑड में आएगा तो जोड़ी नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक और पूर्ण वर्ग कोई संख्या ले लें, तो एक और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 36 है, 6 6 के 36, चलिए 36 में देखते हैं, ठीक है, हम 36 में देख लेते हैं, 36, तो 36 का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा, हमको फैक्टर निकालना है ना, फैक्टर निकालना है, तो 36 का सबसे छोटा फैक्टर 1 है, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर 36 स्वयं होगा, सबसे बड़ा फैक्टर 36 स्वयं होगा। अब क्या 2 से कटता है 36, बिल्कुल कटता है, 2 से कटता है तो हम यहाँ 2 से इसको काट देते हैं, 3 से कटता है क्या, 3 एकम 3 3 2 6 3 से भी कटता है, 4 से कटता है क्या, तो 4 2 36 4 से भी कटता है, ठीक है 4 से, 5 से, 5 5 25 5 6 31 5 7 35 नहीं कटता, 7 से, 7 1 7 7 6 7 4 28 7 5 45 नहीं कटता, 8 से, 8 1 8 8 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 नहीं कटता, 9 से, 9 4 36 9 4 36 9 से कट रहा है क्या, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 4 36 9 से कट गया, ठीक है। उसके बाद किससे कट सकता है, 10 से, 10 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा ये, ठीक है, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न हो गया मुझे, ये 4 के बाद ना 6 से तो कटेगा क्या, 6 6 के 36 है ना, 2 से कट रहा है 18 2 36, ये आपका 6 से कटेगा 6 6 के 36, ठीक है। अब किस किस से कट सकता है ये देखिएगा, 6 से कट गया, 6 6 के 36, अब किससे कटेगा ये, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से, 9 1 9 9 18 9 3 9 4 36 9 से कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद किससे कटेगा, 12 3 36 कटेगा, 12 से कट जाएगा, ठीक है 12 से कट गया। उसके बाद 18 2 36 कटेगा, तो 18 2 36 भी कट गया। अब 19 से नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, बाकी किस आगे किसी से नहीं कटेगा। अब इसका जोड़ा बनाते हैं, अब इसका जोड़ा बनाते हैं, अंत से अंत 36, पहले गिन लेते कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर, मतलब ये ऑड में आएगा, ऑड में आ गया ना, 36 एक 36 का स्क्वायर है ये, इसी पूर्ण वर्ग संख्या है ये, ठीक है। तो 2 का जोड़ा हम किससे बनाएंगे, तो 18 से हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा हम 12 से बनाएंगे, 9 का जोड़ा हम 4 से बनाएंगे, 6 बच जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा तो आपको फैक्टर निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है ना, ये बस समझने के लिए है, फैक्टर आपको ऐसा कभी भी नहीं निकालना है, ठीक है, फैक्टर आपको ऐसा कभी भी नहीं निकालना है। चलिए एक संख्या और है जो पूर्ण वर्ग है, उसका एक बार फिर से निकाल कर देखते हैं, फिर से मतलब 25 का निकाल कर देखते हैं, 25 आपके 5 के स्क्वायर है ना, ठीक है। तो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा, 1, हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर वो स्वयं संख्या होगी। अब 25 किससे कट सकता है, पता है किसी को, 25 केवल 5 से कट सकता है और किसी से नहीं कट सकता, ठीक है। जोड़ी बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, 25 एकम 25, और 5 अकेला बच गया तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 5 एम 25, ठीक है, ये समझ गया। अब हम ट्रिक की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम ट्रिक की ओर आगे बढ़ने वाले हैं कि कैसे हम ट्रिक के अनुसार इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फैक्टर का मतलब याद हो गया, फैक्टर किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से काट दे, है ना, आपको पॉइंट में नहीं काटना है, पूर्ण रूप से काट दे, उस संख्या को हम बोलते हैं उस संख्या का फैक्टर या गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। 25 के कितने गुणनखंड है, 25 के गुणनखंड है 1 2 और 3, 25 के मात्र 3 गुणनखंड है, 36 के 9 गुणनखंड है। चलिए आगे चलते हैं, किसी गुणन की संख्या का कुल गुणनखंड, ठीक है, कुल गुणनखंड क्या होगा, अभी तो हमने निकाला कुल गुणनखंड क्या होगा एक एक करके, फिर से अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर से, और ट्रिक से पहले हम एक संख्या लेते हैं बेस संख्या, जिसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको 20 को लेके बहुत सारी
आंसर बताऊंगा। 20 को ही लेके आपकी बहुत सारी समस्याएं, मतलब 20 का उदाहरण लेके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। 20 इसलिए समझाऊंगा क्योंकि 20 में फैक्टर कम है, मैं उसको हर तरीके से जोड़ के जैसे भी करके आपको विथ प्रूफ दिखा सकता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना। तो हमको निकालना है 20 का कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो पहला गुणनखंड 20 का होगा 1, लास्ट गुणनखंड होगा 20 स्वयं होगा। ठीक है, इसके बाद 20 में 2 का भाग जा सकता है, 4 का भाग जा सकता है, उसके बाद जाएगा आपका 5 का भाग जाएगा और 10 का भाग जाएगा। ठीक है, और 20 में किसी का भाग जा सकता है क्या? कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? इसमें गुणनखंडों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। अब हम इसी को ट्रिक के अनुसार निकालेंगे, इसी को हम ट्रिक के अनुसार निकालेंगे, कैसे? इसका प्राइम फैक्टर करके। ठीक है, अब हमको एग्ज़ाम में ऐसा निकालते नहीं बैठना है, एग्ज़ाम में ऐसा निकालते नहीं बैठना है, हमको इसका एग्ज़ाम में प्राइम फैक्टर करना है। सॉरी, ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। एग्ज़ाम में हमको प्राइम फैक्टर करके निकालना है। प्राइम फैक्टर कैसा होगा ये देखिएगा, है ना, हमको 20 का प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर करना आपको सभी को आता होगा, नहीं आता तो यहाँ देख लीजिएगा। 20 है, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है हमको प्राइम नंबर से ही भाग देना है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है हमने सबसे पहले वीडियो में बता के रखा है। प्राइम नंबर पहला छोटा है 2, 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। अब या तो 5 से भाग दे दीजिए या फिर 5 को 5 ही मान लीजिए, 1। चलिए ये हो गया, एक बार में गया। तो हमारा प्राइम नंबर क्या क्या है, देख, एक प्राइम नंबर नहीं, याद रखिएगा ना, एक ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है। तो हमको क्या मिला, 2 जो है 2 बार मिला, गुणा 5 जो है हमको कितने बार मिला, एक बार मिला। ठीक है, 5 जो है एक बार मिला। अब आगे का जो स्टेप है आप ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो लिख लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 होता है हमको क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या। हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य याद रखिएगा, उद्देश्य आपको भटकना नहीं है, उद्देश्य ये है कि किसी संख्या का कुल गुणनखंड निकालना है। हम 20 का ही निकाल रहे हैं, पहले हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट से बताया जो बेसिक मेथड था, है ना, हमारे पास कितने आए, 6। ठीक है, 6 हमारे पास क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या है। अब हमको ट्रिक से निकालना है, तो पावर को बस ध्यान दीजिएगा, पावर में आपको एक एक बढ़ा के चलना है, पावर में आपको एक एक बढ़ा के चलना है। क्या बढ़ा के चलना है, पावर में एक एक बढ़ा के चलना है। तब 2 का पावर, यहाँ 2 का पावर कितना है, 2 है, तो उसमें एक बढ़ा देते हैं तो ये 3 हो जाएगा। 5 का पावर 1 है, इसमें एक बढ़ा देंगे ये 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 × 2 = 6। यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यही है हमारा फाइनल आंसर। तो 20 के कितने गुणनखंड है, तो 20 के 6 गुणनखंड है, जो हमने यहाँ प्रोसेस से निकाला और यहाँ ट्रिक से निकाला। क्या किया हमने, जो मैं देखिए मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, है ना, इसमें मात्र प्लस 1 किया है और इसमें भी प्लस 1 किया है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसमें भी प्लस किया हूँ और ऊपर जितने भी आपको प्राइम नंबर के पावर मिलेंगे उसमें मात्र एक एक को जोड़ना है, एक एक जोड़ना है और इसको आपस में गुणा करना है। नीचे बेस से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नीचे आपको बेस से कुछ भी लेना देना, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपका कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका। ठीक है, ये हो गया कुल गुणन संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या निकालने का तरीका। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आपका, है ना, विथ प्रूफ दिखाना है ना आपको, विथ प्रूफ दिखाना है। तो हमें 36 को वापस एक बार और ले लेते हैं, है ना। 36 के कितने गुणनखंड हमने निकाले थे, तो 1 निकाले थे, है ना, 36 आपका ऑड में आएगा, है ना, और 20 में ये 36 हो जाएगा। आपको पता है बीच में 36 आना तय है, 6 आना तय है, क्योंकि ये आपके पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, अब ऐसा निकालने के लिए ना आपको मस्त तरीका है, पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो किससे जाएगा, 18 × 2 = 36, तो यहाँ भी 18 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ भी 18 लिख लीजिए इस साइड, क्योंकि ये बीच से बॉर्डर, तभी उसका जोड़ा बनेगा 18। फिर किससे जा सकता है, तो क्या हो जाएगा आपके 4 × 4 = 4, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 6 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 से जाएगा तो 3 यहाँ लिख लीजिए। अब 3 का जोड़ा क्या बनाएंगे, तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा, ये 12 को बना लीजिए। फिर ये 4 से जाएगा, है ना, कितने जाएगा, 4 से जाएगा, तो 4 × 36 = 36, 4 और इधर 9 लिख दीजिए। ठीक है, 4 × 36 हो गया। और किसे जाता है क्या, 6 से चला गया है, 5 से चला, 5 से चला, नहीं, टोटल कितने गुणनखंड संख्या हो गई यहाँ पे गिन लीजिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। ठीक है, तो गुण गुणनखंडों की संख्या 9 है। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है।
चलिए अब हम इसको प्राइम फैक्टर करके निकालते हैं। अब इसको हम प्राइम फैक्टर करके निकालते हैं, तो यहाँ 36 लिख लीजिए, प्राइम संख्या 2 से पहले भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है, ये हो जाएगा 18, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9। अब 2 से भाग ना लगेगा, अब 3 से लगाइए, तो 3 × 9, ठीक है। अब हमारे पास 2 कितने बार हमको मिला है, 2 हमको 2 बार मिला है, 3 भी हमको 2 बार मिला है, वैसे 2, 3 से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट पावर में 1 बढ़ा दीजिए, पावर में 1 बढ़ा दीजिए, तो +1 +1, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 3 हो जाएगा, और 3 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 36 में फैक्टरों की संख्या कितनी है, 9। देखिए प्रोसेस से भी हमने 9 निकाल के दिखा दिया और ट्रिक से भी 9 निकाल के दिखा दिया। एग्ज़ाम में आपको किससे निकालना है आपको पता है, एग्ज़ाम में केवल और केवल आपको इस ट्रिक से ही माध्य निकालना है, इस ट्रिक का उपयोग करके ही आपको आंसर फाइंड करना है, ठीक है। ये हमने आपको प्रोसेस से भी बता दिया और कम आपको ट्रिक से भी बता दिया। एग्ज़ाम में आपको हमेशा ट्रिक से ही निकालना है, वैसे मैंने तो छोटे छोटे संख्याओं का निकालना है आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए छोटे छोटे संख्याओं का निकाला है, आप चाहे तो बड़ी बड़ी संख्याओं का भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक आध बड़ी संख्या का भी निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलिए एक बड़ी संख्या का उदाहरण लेके बताते हैं, तो हमको निकालना है 360 का, 360 का प्राइम फैक्टर करना है, 360 का प्राइम फैक्टर करना है। हम इसमें देखिए अभी 360 जो है ये बहुत बड़ी संख्या है ना, आप इसको 1 2 किससे भाग जाएगा किससे नहीं जाएगा ये आप निकालने में आपको बहुत समय लगेगा, है ना, जैसे हम प्रोसेस से करते थे वैसा ना करके हम आपको उसको ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें आप इतना बता सकते हो कि सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा और सबसे बड़ा ये स्वयं 360 होगा, ठीक है, बाकी हम इसको पूरे फैक्टर से ही निकालेंगे, ठीक है, बाकी पूरे कंसे से निकालने वाले हैं हम इसको। चलिए इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360, ठीक है, 2 से जाएगा कितने बार में, ये 180, ठीक है, 2 का आधा 180 होगा, और फिर 2 को 180 से निकालेंगे तो 180 का आधा हो जाता है 90, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं इसलिए आधा करना है, और 45 हो जाएगा 90 का आधा। अब 2 से ना जाएगा 300 तो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, और 15 से 45 होता है क्या, ये 15 ले लीजिए, 3 फिर से जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है, अब ना जाएगा, ठीक है, तो 2 हमको कितने बार मिला, तो 1 2 3, 2 आपको 3 बार मिला है, बगल में लिखते जाइए जो जितने बार मिला है, ठीक है, कितने बार मिला है, तो 2 जो है 1 2 3 3 बार मिला है, तो लिख दिए, गुना 3 कितने बार मिला है, तो 3 जो है मात्र 2 ही बार मिला है, ठीक है, और 5 1 बार मिला है, ठीक है, 3 2 बार मिला और 5 1 बार मिला। इसके बाद हम क्या करते थे, पावर में 1 बढ़ाते हैं सभी का, तो 3 का हो जाएगा 4 गुना 2 का हो जाएगा 3 और 1 का हो जाएगा 2, इसको आपस में गुना कर लीजिए तो आपको फैक्टर की संख्या निकल जाएगी, ठीक है, ये होता है 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24, तो 360 में 24 है ना, इसके 24 अंक ऐसे हैं जो इसको भाग दे देगा, ठीक है, 24 अंक ऐसे हैं जो इसको भाग दे सकता है, ठीक है, ये हो गया। चलिए ये तो आपको प्राइम फैक्टर आप बच्चों टाइप का ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप एडल्ट टाइप का सीखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, है ना, ऐसा आप एक एक नहीं करना चाहते, देखिए ये आपके लास्ट एग्ज़ाम में अगर कोई भी दिमाग नहीं लगेगा ना तब की स्थिति में आपको ऐसा प्राइम फैक्टर निकालना है। अगर आप कुछ पढ़े हैं आपको कुछ पढ़ा याद है तो आप कैसे भी निकाल सकते, देखिए 360 को आप कैसे निकाल सकते हैं, 360 को आप 36 × 10 लिख सकते हैं, है ना। अब जब तक इनको तोड़ते जाइए तब तक प्राइम नंबर हमको नहीं मिल जाता। 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 10 को किस में तोड़ सकते हैं, तो 10 को हम 5 × 10 कर सकते हैं, 5 × 10, ठीक है, 5 × 10 कर सकते हैं, ये प्राइम आ गया, 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, ठीक है, इसका खेल ख़त्म। 36 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 36 को हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो 9 × 36 होता है, बिल्कुल, तो ये 9 लिख दीजिए और इधर 4 लिख दीजिए, फिर है 9 और 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है ना, तो उसको प्राइम नंबर आ दीजिए। 2 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, गुना 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी उतार लीजिए नीचे 5 × 2 को। अब देखिए 2 कितने बार आया, यहाँ लिखते जाइए, तो 1 2 और 3, 2 जो हमको 3 बार मिला, ठीक है, 3 कितने बार मिला, तो 3 1 और 2, 3 2 बार मिला, और 5 कितने बार मिला, 5 1 बार मिला, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा भी फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो ऐसा भी फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी को नहीं आता तो इनके लिए बेसिक मेथड तो ये जिंदाबाद है,
ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करने के भी दो तरीके हैं। यदि आपको कुछ पढ़ा याद है और आपका बेसिक कंसेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे से पता है ना, तो आप आराम से इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको और ज़्यादा ज़रूरत और ज़्यादा ज्ञानवान है तो आप और जल्दी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इस आज क्लास में, मेरे ख्याल से आज 24 मिनट का क्लास है, ठीक है, और थोड़ा और चल सकता है, ठीक है, थोड़ा और चल सकता है। अब इसमें थोड़ा सा ना आने वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या देखने वाले हैं, बस मैं आपको इसकी झलक दिखा देता हूँ, बाकी अगले में हम ये सब समझेंगे, ठीक है, अगले में हम ये सब समझेंगे। पीछे में कहीं पढ़ने लायक है क्या, ये देखिए। चलिए मैं इसी पेज में आपको कुछ बता देता हूँ, या फिर एक नया पेज ले लेते हैं, नए पेज में ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। ये होता है आपका कुल गुणन किसी संख्या का, कुल गुणन खंडों की संख्या। कुल गुणन संख्या तो हम निकाल ली है, 6 होता है, ठीक है। अब आपको इसमें ना सम और विषम निकालने होते हैं। सम और विषम कैसे होगा, चलिए मैं कुछ एग्जांपल ही बता देता हूँ। 36 में ही लेके चलते हैं, ठीक है, 36 अब 20 में लेके चलते हैं, 20 को हमने बेस माना था, तो 20 में ही लेके चलते हैं। 20 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, और 20 स्वयं होता है, ठीक है। और क्या क्या गुणनखंड होता है 20 का, 20 का और क्या क्या गुणनखंड होता है, तो 20 का होता है आपका 2, इधर 2 हो गया तो इधर 10 आएगा, ठीक है, इधर 2 की 10 आएगा। और क्या गुणा कर सकते हैं इसको, ये 4 और ये 5, ठीक है, टोटल 6 गुणनखंड है इसके, 1 2 3 4 5, 3 3 6 है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, सम और विषम पूछेगा, सम और विषम पूछेगा, मतलब 20 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो कुल गुणनखंड देखिए, है ना, 20 के जो कुल गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 है, ये कुल गुणनखंड 6 है। लेकिन इस गुणनखंडों में से, है ना, जितने हमने अभी गुणनखंड लिखे हैं 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है, इसमें से कितने सम हैं और कितने विषम हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कितने सम गुणनखंड है और कितने विषम गुणनखंड है। तो चलिए पहले हम सम को गिनते हैं, सम कितने हैं, तो हम सम को गोला लगाते हैं ना, ये सम है, ये भी सम है, और ये भी सम है, और ये भी सम है, ठीक है। तो हमारे पास सम कितने हैं, हमारे पास सम कितने हैं इसमें, तो सम है हमारे पास 1 2 3 4, 4 सम है, ठीक है। अब विषम को लगाते हैं, तो नीला से विषम लगा दीजिए, हमारे पास विषम गुणनखंड है 2, और दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 6 हो जाता है, ठीक है। ये हम आने वाले क्लासों में सीखेंगे, ठीक है, कैसे सम गुणनखंड निकालते हैं और कैसे विषम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या आज हमने क्या सीखा, कि किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है ना, कितने गुणनखंड होते हैं टोटल, और उसमें कितने सम होंगे, कितने विषम होंगे। ये जिसको अभी हमने इसको पूरे प्रोसेस से समझा है ना, प्रोसेस से समझा, लेकिन आने वाले क्लास में हम इसको भी ट्रिक से ही समझेंगे, इसको भी हम ट्रिक से ही समझेंगे, ठीक है। आपको इस प्रकार हर संख्या का निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हम अगले आने वाले वीडियो में इसको पूरे अच्छे से ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि आपको चैनल आप बने हैं, यदि आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चाहे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या ना कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। यदि आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप इसमें कुछ रिस्पॉन्स दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।